नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया गांव में सोमवार को पति पत्नी और वो मामले से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बीते रविवार की देर रात्रि पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद गांव में जमकर बवाल हुआ, जबकि रात में ही पति द्वारा पत्नी के आशिक की जमकर पिटाई भी कर दी गई। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए सोमवार को दिन के समय गांव में पंचायती बैठी, जिसमें पंचायत के सामने पति ने अपनी पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया, जबकि प्रेमी भी महिला से शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर महिला ने कहा कि इस घटना के बाद उसका पति उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है और प्रेमी ने उसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है, तो ऐसे में वो अब कहाँ जाएगी। साथ ही महिला ने कहा कि अपने प्रेमी के साथ विगत एक साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और अब वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। वहीं जब पंचायती में गांव के बुद्धिजीवियों के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बावजूद भी इस विवाद का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका, तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना मधुसूदनपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पति पत्नी और प्रेमी को अपने साथ थाने ले गई, लेकिन काफी समझाने के बाद भी तीनों अपनी अपनी बातों पर अडिग रहे। इस मामले को लेकर मधुसूदनपुर थानेदार महेश कुमार ने कहा कि पति पत्नी और प्रेमी अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और फिलहाल इस विवाद का हल निकालने के लिए तीनों को पुलिस अभिरक्षा में थाने में ही रखा गया है। हालांकि पति पत्नी के इस विवाद में उसके दो मासूमों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है, जो पति पत्नी और वो के संबंध का दंश झेलने को फिलहाल मजबूर दिखाई दे रहे हैं। मैंने घर गया था, 12 बज रहे थे, 1 बज रहा तो घर गया था, मेरा गेट मेरा खुला हुआ था, हम सोए हुए थे, उसको बोले क्यों आए हो, तो कुछ नहीं बोला वो। जब मेरा पति मेरा घर गया, डायरेक्ट छड़प के मैं वहाँ छत पे चढ़ गया, उसको पकड़ के लाया तो लपट कर दिया है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? हम बोले लिया चाहे कि मैं लड़की के नहीं रखवाऊँ, कहने हम बहुत दिनों से सबको समझेता मैं पागल हो गए छे, मैं साल भरी से डेढ़ सालों से जगह रखे सबका, रोज हमें एक चीज कही कि देखा अपना घर समेत, लेकिन नहीं सुधरते जब दोनों राजी है तो हम और की करते हमें की करबे, हमरो कहीं मतलब हमें लड़की के नहीं रख सकते की देख लो तो हम देख लिए कहीं मतलब जैसे एक तो कहीं मतलब ऑन जॉन यसनो करैले हो जे मैं नहीं देख लिए हम जब ओकरा मौजूद में जब रात का कहीं मतलब 2:15 रात का जब ओकरा पकड़ी ले लिए अपनों घरों में अब एकरा की बड़ी देखबे। भागलपुर के नवकचिया प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन के कार्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने नवकचिया इंच 31 की तरफ से खिड़की को काट कर कार्यालय में प्रवेश किया था और इसकी जानकारी प्रखंड कर्मियों को सफाई करने पहुंचने पर कार्यालय खोलते ही मिली। वहीं इस घटना में चोरों ने 12 वोल्ट की 8 बैटरी, सीसीटीवी कैमरा का LCD और हार्ड डिस्क समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया। इसको लेकर BDO गोपाल कृष्णन ने बताया कि चोर तकनीकी रूप से काफी एक्सपर्ट रहा होगा, इसलिए ऐसे सामानों को उड़ा लिया, जबकि इसके अलावा उनके कार्यालय में रखे किसी भी सामान को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। BDO ने कहा कि यह घटना अंचल और प्रखंड परिसर में रहने वाले सुरक्षा गार्ड की लापरवाही को दर्शाता है, जिसके रहते हुए भी उनके कार्यालय में चोरी की घटना हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की सूचना उनके स्तर से वरीय पदाधिकारी को दी गई है, जबकि इसकी प्राथमिकी अंचल गार्ड अनिल कुमार मिश्र के लिखित आवेदन के आधार पर नवगछिया थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खिड़की को साइकिल के रड से तोड़ करके LCD का TV, CDR और विश्वान की 8 बैटरी चोरी करके ले गए हैं, जिसका FIR दर्ज करा दिया गया पुलिस को खबर करके। स्वसमय जब कार्यालय को सफाई कर्मी और जो है अटेंडेंट लोग खोले, सफाई करने के दौरान करीब 9 बजे के आसपास ही सफाई ऑफिस का होता है, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ड्राइवर के माध्यम से खबर भिजवाया कि ऑफिस का खिड़की खुला टूटा हुआ है और यहाँ से LCD की चोरी हो गई है। LCD मतलब CCTV कैमरा का जो डिस्प्ले होता है, वो काफ़ी बड़े साइज का था, लगभग 40 इंच का था।
भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन बिचौलियों के खिलाफ काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर डीएम के द्वारा कई ठोस कदम भी पूर्व में उठाए गए हैं। प्रत्येक प्रखंड से अंचल कार्यालय में बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में अभी भी बिचौलियों का बोलबाला है। यहाँ पर किसी भी समस्या को लेकर आने वाले आवेदक को पहले बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर गोपालपुर के जदयू प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने बताया कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। साथ ही कहा कि अवैध उगाही कर उनकी सरकार को बदनाम करने वालों का पता कर इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी और मंत्री से की जाएगी, जिससे इस पर लगाम लगाया जा सके। दरअसल यहां सभी काम के लिए अलग अलग रेट तय है, जिसमें राशन कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपये, शौचालय निर्माण के लिए 2000 रुपये और आवास योजना के लिए सबसे अधिक रकम की वसूली की जाती है। यही हाल अंचल कार्यालय में भी देखने को मिलता है, जिसमें काबिल लगान से लेकर के निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित मोटेशन जैसे सरकारी कार्यों के लिए अलग अलग रेट फिक्स है। बताया जाता है कि प्रखंड से थोड़ी दूर पर दुकानों में पहले ही काम का सारा पैसा दलाल द्वारा वसूल कर लिया जाता है। वहीं इसको लेकर पप्पू कुमार मंडल ने बताया कि काबिल लगान का फाइल तैयार करके बढ़ाने के लिए अंचल के बड़ा बाबू को 1500 रुपये दिया, लेकिन काबिल लगान का फाइल आगे नहीं भेजा गया और अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। जबकि इंदिरा आवास के कई लाभुकों ने भी बताया कि बिना नजराना दिए कोई काम नहीं होता है। चल लगभग 3-4 महीनों से दौड़ रहे हैं। किस चीज को लेकर के? काबिल लगान संबंध में दिए थे, नहीं हुआ है काम। क्या बोलता है? बोलता है हो जाएगा, हो नहीं रहा है काम। पैसा भी दिए थे? कितना? 1500 दिए। क्या बोला था पैसा लेने के लिए? क्या बोला? बोला कि हो जाएगा काम, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आज आप जाइए किसी भी प्रखंड मुख्यालय में, खासकर गोपालपुर प्रखंड में, लोग चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। हमको ऐसा जैसा जानकारी हुआ है कि बिना पैसे के यहाँ पर एक भी काम नहीं होता। जाति हो, निवास हो, आय हो, या वृद्धा पेंशन हो, या आवास योजना हो, सब चीज़ों में पूरा यहाँ भ्रष्टाचार से लिप्त है। प्रखंड में पंचायत से बेसी धांधली हो रहा है। अब राशन कार्ड बनाने में 1500 रुपया लिया जाता है, गरीबों को परेशान किया जाता है। इंदिरा आवास हो चाहे राशन कार्ड हो, जो ज्वलंत समस्या है जनता का वही। शौचालय में भी? शौचालय या में भी 2000 रुपया लिया जा रहा है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक से पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 3 बदमाश को लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रुपेश कुमार, राहुल कुमार और शिवनंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खालिक उज्मा ने बताया कि लोडेड हथियार के साथ पुलिस द्वारा दबोचे गए तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से जिला स्तरीय दक्ष खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नाथनगर के छात्र छात्राओं ने 26 गोल्ड, 15 रजत एवं 5 कांस्य पदक पर कब्जा किया। वहीं सभी बच्चे को नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी एवं अंचलाधिकारी स्मिता झा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जबकि प्रखंड संसाधन केंद्र नाथनगर एवं शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के द्वारा वे बच्चों को मानित किया गया। दौड़ प्रतियोगिता के अलग अलग वर्ग में शारदा कुमारी, अमन कुमार, राजा सिंह, दिव्यांश कुमार, भोला साह और रेशमा कुमारी ने गोल्ड पर कब्जा जमाया, जबकि रग्बी में नाथनगर की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इसके अलावा बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण पदक, बैडमिंटन में 3, खो खो में 1 और भरोत्तोलन में 1 स्वर्ण पदक मिला। मौके पर जितेंद्र मणि, राकेश, हिमांशु शेखर ठाकुर और गौरव कुमार झा समेत काफी संख्या में अतिथि एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। नाथनगर के जो भी हमारे टीम है काफ़ी मतलब मेहनती है, जिला लेवल के चैंपियन ये मतलब नाथनगर के सारे हमारे टीम हुए। मेरे तरफ से प्रखंड की तरफ से हम लोग काफ़ी शुभकामना देते हैं, जो भी शिक्षक हैं उनको भी हमारे तरफ से बधाई है। हमारी शुभकामना होगी कि बच्चे और स्टेट लेवल पे मतलब अच्छा करें। यहाँ पे सब हमारे बच्चे जिला स्तरीय जो दक्ष कार्यक्रम हुआ था
उसमें हमारे नाचकर बच्चों ने 25 गोल्ड मेडल जीता। और क्योंकि हमारे अध्यक्ष कार्यक्रम के प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और हमारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैडम ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था और बच्चे हमारे शिष्टाचार मैडम से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे, बहुत खुशी हुई। अब वो तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 42 के अलीगंज हरिजन टोला में जीवन जागृति सोसाइटी और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल महिलाओं में होने वाले कैंसर को लेकर संस्था के द्वारा आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में महिला चिकित्सकों ने शिविर में मौजूद महिलाओं की जाँच की। वही इस दौरान सभी महिलाओं को कैंसर के लक्षणों के बारे में भी जानकारी देते हुए इससे बचाव के उपाय भी बताए गए। मौके पर कई चिकित्सक और काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। भागलपुर के आदमपुर स्थित एक होटल में सक्षम फाउंडेशन का तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, पूर्व महापौर वीना यादव और संस्था के महासचिव अभय घोष सोनू समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वह इसके बाद गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता तिवारी ने अपने संबोधन में संस्था के द्वारा जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था में सभी सामाजिक संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, जिससे काम करने में काफ़ी सहूलियत होती है और आगे भी सामाजिक महिला विकास के क्षेत्र में कार्य किया जाता रहेगा। मौके पर पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा, संयोजक कांति पाठक और राजेश कुमार समेत संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। आज हमारे सक्षम फाउंडेशन का स्थापना दिवस, हम लोग दूसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं, तीसरा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा सक्षम फाउंडेशन आज भागलपुर में 5 साल से कार्य कर रही है समाज के बीच में, और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे जितने भी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, सभी सामाजिक समाज के लिए कार्य करते हैं। हमारा सक्षम फाउंडेशन जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर कार्य करते हैं। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करेला गांव से बीते 19 जनवरी की शाम घर से बिस्कुट लेने निकला 13 वर्षीय आदर्श राज वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने इसकी सूचना थाने में दी। वहीं इसके बाद पुलिस ने पहले बच्चे की खोजबीन अपने स्तर से भी करने की बात उसके माता पिता से कही। इसके बाद भी आदर्श का कुछ भी पता नहीं चला और लगातार थाने का चक्कर लगाने के बाद 23 जनवरी को पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। वहीं इसको लेकर बच्चे के माता पिता ने थाने से लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक जाकर गुहार लगाई, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को उनके बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। इधर इसी मामले को लेकर आदर्श के परिजन बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचे और बच्चे की बरामदगी के लिए मदद की गुहार लगाई। वहीं सारी बातों को सुनने के बाद विधायक अजीत शर्मा ने थाना प्रभारी से बात कर बच्चे की जल्द बरामदगी करने के कार्रवाई करने की बात कही। विधायक ने कहा कि बच्चे की बरामदगी के लिए वे वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। बड़ी दुखद घटना है कि आदर्श राज इनके बच्चे को सुबह रात में 8 बजे बिस्किट लाने के लिए दुकान जाता है और कोई लेके उसको गायब हो जाता है, और जब पुलिस के यहाँ जाती है तो 2 दिन तक तो एफआईआर नहीं लिया जाता। 2 दिन के बाद एफआईआर लिया गया
तो लोग खोज रहे हैं। मैंने अभी थाना अध्यक्ष से बात भी किया है कि भाई इतना ढलमुल रवैया से तो बच्चे का माँ का देखिए बुला आ रहे रोते रोते, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा जब खोता है गायब होता है तो उसकी हालत परिवार की क्या होती है आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने बात की और अभी एसपी साहब से ही बात करेंगे, डीआईजी जी से बात करेंगे, सबको पत्र भी लिखेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी आप काम करिए ताकि ये बच्चा वापस आए और माँ बाप का जो है बच्चा उसको वापस मिले। निश्चित तौर पर पुलिस को पहले वो ध्यान देना चाहिए, जिसका बच्चा जाता है वही समझ सकता है क्या होता है। निश्चित तौर पर पुलिस का ढलमुल रवैया रहा है, निश्चित तौर पर इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत करहरिया पंचायत के पैसरा गांव में एक महिला के साथ मारपीट एवं लूटपाट की घटना सामने आई है। इसको लेकर पीड़ित महिला पूनम देवी ने बाद थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि रविवार की सुबह वह अपना बकाया पैसा मांगने के लिए दिलीप रजक के घर गई थी, तभी विवाद हो गया और इसी दौरान दिलीप रजक, किरण देवी, गुड़िया देवी, प्रियंका देवी एवं लक्ष्मी कुमारी ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसका सारा कपड़ा भी दबंगों ने फाड़ डाला। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उसके पति नकुल रजक से दिलीप रजक ने 30,000 रुपये उधार लिए थे और बकाया राशि मांगने पर मारपीट की, जबकि इस दौरान बचाव करने गए उसके पुत्र गुलशन कुमार के साथ भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही पूनम देवी ने कहा कि मारपीट कर दिलीप रजक और उसके घर वालों ने गाली गलौज करते हुए पैसा वापस नहीं करने की बात कही। इसके अलावा हत्या की धमकी देने के साथ दबंगों ने रुपये, कान की बाली और गले में पहना हुआ लॉकेट भी लूट लेने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। पैसा मांगल गेलिए, पैसा ले लेते 1000 हमरा पति से। के लेने? दिलीप रजक। हां तो हम मांगल गेलिए तो वो मतलब कि मार पीट गल्लम गाड़ी के नै दबो, तोरा पैसा से हम केस लड़बो जो कर। ओकरो काम भौजान बार बार कहै छै हमरा तो डाइन छै, हमरा बच्चा खा है कर दे छै, मन खराब कर दे छै, डाइन का आरोप ही लगा रहा है। हां तो सुबह गए तो पैसा मांगने के लिए तो मार पीट किया। हां मार पीट करे लगले कि खूब मतलब गल्लम गाड़ी नै दबो पैसा, के लक गवाही छौ? जब हम गवाही ओकरो से लै छलिए तो हमरा लंग कोई गवाही नै रहै छलै, हमहूँ देलिए तऽ हमहूँ गवाही नै रखलिए, गुप्त मे ओहो देलकै गुप्त मे हमहूँ देलिए। सूद मूर ओकरा भी हमे देले छियै 8,000 के 16,000 देले छियै, 8,000 के 8,000 सूद, 8,000 मूर। भीर भी हमरो बेटी के भी हम 5,000 ओ देलकै हथ पैसा, हमहूँ साल भर पर देलिए। 2020 में ओकरा 10,000 रुपया देले छै, फिर इन्ने देले छियै 20,000, 10,000 तो याद देले छै, 30,000 सब सूद मूर। भागलपुर सुल्तानगंज के असियाचक पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुखिया सदानंद कुमार, प्रखंड स्वच्छता संवेदक अमिता सिन्हा, कार्यपालक सहायक आनंद कुमार, पंचायत सचिव शक्ति प्रकाश और समाजसेव विजय सिंह ने नारियल फोड़ कर एवं हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इसको लेकर मुखिया सदानंद कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोहिया स्वच्छ अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए असियाचक पंचायत के सभी वार्ड में 2 सफाई कर्मी को भी लगाया गया है। साथ ही असियाचक पंचायत के सभी घरों में सूखा कचरा एवं गीला कचरा रखने के लिए हरा एवं ब्लू डिब्बा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी वार्ड में स्वच्छता और साफ सफाई के लिए काम किया जाएगा। मौके पर शिवराज कुमार, जीछो शाह, अजय कुमार, नीलेंद्र यादव, राजेश यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत असियाचक में स्वच्छता लोहिया अभियान के तहत स्वच्छता का काम शुरू किया गया। इस अभियान में विभिन्न लोग, बहुत लोग मौजूद हुए और इसे सफल बनाने के लिए हम लोग खुद ही तत्पर हैं। मुखिया जी के द्वारा ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर लोग अपने साफ सफाई पर ध्यान देंगे और मुखिया जी का काम यह बहुत अच्छा रहा और इन्हीं के सौजन्य से काम हुआ।